गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह का 9:30 बज चुके हैं और आज मैं बहुत बिजी हूँ और अभी किचन में कुकिंग स्टार्ट करूँगी, लंच तैयार करूँगी क्योंकि बेकरी में आज मेरा ट्रेनिंग है और मेरा हस्बैंड आज खाना खा के थोड़ा काम है बाहर जाएंगे, तो इसीलिए मैं लंच तैयार करके बेकरी रूम में जाऊंगी। और मेरा बेटी को इधर देखिए, कुछ काम धंधा तो सुबह सुबह नहीं है इसीलिए बाल्ब को क्या कर रही है, लगा रही है। लगा रही है। ठीक है, तो आज लंच में चिकन कुक करूंगी और अभी भी ठीक नहीं, चिकन और क्या होगा, तो सिर्फ पहले चिकन को कुक कर लेती हूँ उसके बाद और क्या होगा सोचती हूँ। चिकन और टोमेटो चटनी, चिकन करी और टोमेटो चटनी लगे। अच्छा और आज सिर्फ चिकन नहीं, चिकन कॉलीफ्लावर और पोटैटो एक साथ सब मिला के चिकन करी होगा, बहुत अच्छा लगता है कॉलीफ्लावर और पोटैटो चिकन के साथ, बहुत अच्छा लगता है गाइस। कह रहा है कि ये लाइट में अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर भूत जैसा लग रहा है, भूत बहुत अच्छा लग रहा है, भूत अच्छा नहीं लग रहा है। लाइट दे दादा जी, अंधकार था अभी, मैं बहुत जल्दी जल्दी से हूँ और मेरा बेटी मेरा साथ मजाक उड़ा रहा है, उड़ा रही है, सॉरी मेरा हिंदी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आपको पता है जेंडर चेंज कर दो, आपको पता है मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लाइट दे तारी, इलेक्ट्रिसिटी बिल उठवे, ए चुनीवाल पे वैसे बिल उठे जानिस तो ना ना होम उठवे ना जो होल्ड कॉम आज होई जन्ने। और एक बात गाइस, मेरा हिंदी गड़बड़ होता है और मेरा बेटा बेटी का ना बंगाली बहुत गड़बड़ होता है। ये जरा सा झूठ है, ये जरा सा झूठ नहीं है, जब भी हम लोग उड़ीसा में है, लेकिन मेरा बेटी 1.5 साल का हुआ था, हम लोग इधर है तो 1.5 साल नहीं 13 साल का हुआ था, 13 साल ना ना सॉरी 1.5 साल का हुआ था, 13 साल तो मेरा बेटा सॉरी तो 1.5 साल का हुआ था, उस दिन से हम लोग उड़ीसा में है, तो इसीलिए मेरा बेटी भी उड़िया बात कहता है घर में और बेटा तो फुल उड़िया है, फुल उड़िया है बेटा, बेटा को बंगाली आता ही नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा आता है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, हाँ इंग्लिश मीडियम में मेरा बेटा पढ़ता है, बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पता, नहीं बेटी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर चुके हैं, अभी
कॉलेज में है, इलेवेंथ ट्वेल्थ, तो उड़ीसा में इलेवेंथ ट्वेल्थ कॉलेज में होता है और हम लोग का बंगाली में जूनियर कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, तो इसीलिए मेरा बेटी को बंगाली आता है थोड़ा थोड़ा और बेटा को बंगाली नहीं आता है और मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, हिंदी बिल्कुल नहीं आता। बहुत मजा हो गया अभी, तू जा मुझे कुकिंग करने दे, फिर नहाने जाऊंगी। अरे लाइट दे माचर को इसका, फिर मुझे ये पानी गर्म हो चुका है, नहाना भी है, नहा के पूजा करके खाना वाना खा के जाना है। तो कॉलीफ्लावर और पोटैटो चिकन करी के लिए ऑयल दे दूंगी और अभी मैं क्या दे रही हूँ आप लोग को, दावड़ा लाइट ऑफ कोई बिना, तो सबको ही पता है चिकन कैसा होता है, लेकिन मैं जैसे करती हूँ तो आप लोग को सब शेयर करती हूँ। और अभी मैं बात कर करके कुकिंग करूंगी तो बहुत देर हो जाएगा, तो अभी फटाफट से कुक करती हूँ, मैं लिख दूंगी क्या क्या दे रही हूँ चिकन के साथ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए टोमेटो को रोस्ट करके ऑनियन और ग्रीन चिली के साथ मिक्स कर लूंगी, तो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। ये फटाफट से हो जाएगा। बैंगन की रोस्ट, टोमेटो रोस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। मेरा बेटा इधर खाने के लिए बैठा है और इधर टेडी बियर बेटी तो खा चुकी है, खाना खा के अभी बेड में सोने के लिए जा रही है और अभी मैं खाऊंगी और मेरा हस्बैंड खाना खा के थोड़ा बाहर गए हैं घूम के आने के लिए। शाम बज जाएगा, शाम के 5:30 बज जाएगा, तो अभी मैं खाऊंगी और चिकन थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह चिकन बना के मैं बेकरी में गई थी, तो चिकन ठंड हो गया, अभी गरम करके ये चिकन खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो इतना भूख लगा है, अभी बात नहीं करूंगी, खाना खाती हूँ। जब भी मैं फटाफट से कुकिंग करती हूँ तो उस दिन ही खाना बहुत अच्छा होता है, और चिकन बहुत अच्छा हुआ है। और टोमेटो रोस्ट करके ऑनियन के साथ मिक्स करके कौन कौन खाता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे।
और हम दोनों जा रहे हैं मार्केट घूमने। नहीं और आज कोई गिफ्ट नहीं, आज काम पे जा रही हूँ, थोड़ा काम है मार्केट में। अम्मा ताला मार, थोड़ा काम है मार्केट में। मैं आज सोच रही थी ना मेरा हस्बैंड आज भी मुझे गिफ्ट देंगे, लेकिन नहीं दे, बहुत कंजूस है। और आने के बाद अभी बहुत भूख लग गया है, क्योंकि राइस और चिकन हजम हो गया है, और अभी खाऊंगी गुआवा। इसको थोड़ा सा मसाला मिक्स करके चाट बना के खाऊंगी। तो क्या क्या मसाला इसके साथ मैं देती हूँ आप देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो इसके साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर, और दे दूंगी नमक, और इसमें अभी ये एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा धोने पाता, इसको मैं कद्दूकस कर लूंगी। तो अभी इसको मैं बाप रे मिक्स करके अभी खाऊंगी। और इसके साथ ना सरसों की पेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सरसों की पेस्ट नहीं है, तो इसीलिए इस तरह बना के मैं खाती हूँ। ये चाट मसाला ये बहुत अच्छा लगता है, और ये लोग नहीं खाएंगे। बज चुके हैं और डिनर के लिए सब कुछ तैयार करूंगी। तो डिनर में आज हम लोग खाएंगे ब्रोकोली और पनीर की सब्जी। तो ये है ब्रोकोली, आज मार्केट से मेरा हस्बैंड लाए हैं। और तो 8 बज चुके हैं, आटा गूंदूंगी, आज आटा गूंदना भी नहीं हुआ है। तो ये ब्रोकोली, पहले ना इधर ब्रोकोली नहीं मिलता था, अभी कभी कभी मिल जाता है इधर ब्रोकोली। तो इसको मैं गर्म पानी से अच्छा से धो लूं कट कर। तो ब्रोकली का जो सब्जी बनाऊंगी सब कुछ रेडी कर लिया, ये है बीट, कैप्सिकम, गाजर और पनीर, बीम कट कर लिया, और ये ब्रोकोली को थोड़ा सा कट करके गर्म पानी से धो लिया, और हाफ बॉयल भी हो गया है। और इसमें है टोमेटो, प्याज, अनियन, इसमें है धनिया पत्ता, इसमें है गार्लिक और जिंजर पेस्ट, और थोड़ा सा काजू पेस्ट कर लिया। तो पहले ये सब सब्जी मिक्स करके फ्राई कर लूंगी। तो ऑयल गरम हो चुका है, और ये ब्रोकोली ब्रोकोली थोड़ा सा बॉईल कर लिया, क्योंकि सब्जी थोड़ा सा बेकार चल गया, तो बॉईल होगा नहीं होगा, बेसिकली थोड़ा सा बॉईल हो गया। अभी और अभी
पनीर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। डिनर रेडी। ये है ब्रोकोली और पनीर की सब्जी और इधर है रोटी और ये सब्जी थोड़ा सा मसालेदार हो गया है, आज थोड़ा सा मसाला ज़्यादा दे दिया हूँ। और ये है दूध और ये है केला और ये लोग खाएंगे अभी। और इसको देखिए, गरीब बच्चा बैठ गया थाला लेके नीचे खाएगा टीवी देख देख के, कार्टून चल रहा है अभी। और ये गरीब बाबा साउंड कम करो एक टू। चले गाइस, अभी आज का वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि अभी इन लोगों को खाने के लिए दे दूंगी क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं और ये गरीब बच्चा नीचे बैठ गया है खाने के लिए और काफी रात भी हो गया और खाने के और भी गरीब मैं हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोगों के साथ नेक्स्ट एक वीडियो के साथ मिलती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय।